तो फ्रेंड्स, आप भी अगर एक क्रिएटर है और आप अपना वीडियो का एडिटिंग काइन मास्टर से करते हैं, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिससे हम अपना वीडियो का एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ काइन मास्टर की। अगर आप काइन मास्टर यूज करते हैं और आपका वीडियो गैलरी में सेव नहीं होता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपना काइन मास्टर में वीडियो एडिटिंग करने के बाद वो वीडियो को आप गैलरी में सेव कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और इस पर मैं 2-3 वीडियो भी बना रखी हूँ और उस पर बार बार एक ही कमेंट आते हैं। जब भी लोग वो वीडियो देखते हैं, फिर उस वीडियो में कमेंट करते हैं कि मैम, हम ये वीडियो को गैलरी में सेव कर रहे हैं, फिर भी हमारा वीडियो गैलरी में सेव नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को पता ही है, जैसे जैसे टाइम जाता है, 2022-2023 ऐसे आता है, तो अलग अलग तरीका हो जाता है वीडियो को उसमें सेव करने का। जैसे कि आज से 6 मंथ या 7 मंथ पहले कुछ और तरीका था काइन मास्टर का वीडियो, जितना जैसे वर्जन उसमें चेंज होता है, उसी तरह वीडियो सेव करने का तरीका भी चेंज होता है। तो पुराना वीडियो पर कमेंट आता है, लोग करते कि मैम, जो तरीका बताए हैं उस तरीका से हम भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा वीडियो सेव नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, पुराना वीडियो अगर आप देखेंगे और वो तरीका से अगर आप वीडियो सेव करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो सेव नहीं होगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका काइन मास्टर का वीडियो इजीली गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि कैसे आपको अपना वीडियो को गैलरी में सेव करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है, क्योंकि काइन मास्टर इस तरह ओपन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हम यहाँ पे सेटिंग करना है, कैसे आपको क्या क्या सेटिंग करना है, उसके बाद आपका वीडियो गैलरी में इजीली सेव हो जाएगा। तो इसी तरह काइन मास्टर को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में देखिए, जो नोटिफिकेशन के साइड में सेटिंग वाला ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिवाइस परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और पहला सेटिंग आपको यहीं पे स्टार्ट होता है, यहीं आपको देखना है। तो यहाँ पे नीचे देखिए एनालाइज डिवाइस परफॉर्मेंस नीचे लिखा हुआ है, सिंपल सा इस पर क्लिक करके, यहाँ पे एनालाइज डिवाइस परफॉर्मेंस पर क्लिक करके इसको पूरा कंप्लीट होने देना है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको कंप्लीट होने देना है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं इस पर अगर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, तो आपको इसको पूरा लोड होने देना है। जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको एनालाइज करना है। ये हो गया पहला काम। अब आपको दूसरा क्या करना है, यहाँ पे देखिए बैक आना है, और बैक आने के बाद एडवांस सेटिंग लिखा हुआ है, तो इस पर आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट में जो दो ऑप्शन है, ओपन मीडिया ब्राउजर इन फुल स्क्रीन, और यहाँ पे नीचे देखेंगे ओपन ऑडियो ब्राउजर इन फुल स्क्रीन, इस तरह का दो ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन छोड़ के नीचे जो तीन ऑप्शन है, वो तीनों को आपको ऑन करना है। जैसे कि सेव वीडियो विथ अप टू 60 FPS, एड वीडियो क्लिप विथ अप टू 240 FPS, अलाउ अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स, ये तीनों आपको ऑन करना है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी ऑन है, तो आपको भी इसी तरह ऑन करना है, ताकि आप जैसा भी वीडियो अगर गैलरी में सेव करने की कोशिश करें तो वो वीडियो इजीली आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये सेटिंग हो गया। और अगर आप ज़्यादा दिन से काइन मास्टर यूज़ कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा मतलब कि डेटा भर गया है, उसमें वीडियो वगैरह भर गया है, तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रीसेट हो जाएगा, पूरा मतलब कि नया हो जाएगा। ये मतलब जो भी यहाँ पे वीडियोस वगैरह दिख रहा है, ये सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, बिल्कुल नया यहाँ पे हो जाएगा। तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं इस वीडियो को ओपन कर रही हूँ, और जैसे कि मैं ये ऑलरेडी वीडियो को एडिट करके रखी हूँ, देखिए ये मेरा ब्लॉग चैनल का वीडियो है और इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी इसको एडिट करके रखा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको आप लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके ये वीडियो गैलरी में सेव होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करते हैं, वो सब कुछ आपको कर लेना है। जैसे कि मैं इस वीडियो में यहाँ पे जो भी काइन मास्टर का जो भी यहाँ पे सेटिंग है, एडिटिंग है, सब कुछ कर ली हूँ, बस मुझे ये वीडियो को गैलरी में अब सेव करना है। उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो पर इस तरह क्लिक करना है, जैसे कि नीचे का वीडियो का ऑप्शन है तो उस पर आपको क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपल सा स्क्रॉल करके इस तरह नीचे आना है।
नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसकोड का एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, तो आपको ट्रांसकोड करना है और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल वीडियो क्लिप्स लेयर्स यूजिंग द वीडियो टू बी ट्रांसकोडेड, इस तरह ऑप्शन मिला है तो इसको आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद नीचे ट्रांसकोड करके यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब तक ये ट्रांसकोड ना हो जाए, पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको इसी तरह रखना है मोबाइल को। इसका लाइट ध्यान रखें कि इसका लाइट कम नहीं हो, बंद नहीं होना चाहिए। जैसे लाइट बंद हो जाएगा तो आपका ये ट्रांसकोड भी नहीं होगा और आपका वीडियो कभी भी गैलरी में सेव नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों को करके ही दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट करते हैं कि मैम आप खुद ही सेव करके दिखाइए, आप सेव करके दिखाते नहीं हैं, बस बताते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये ट्रांसकोड अब कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ, गैलरी में सेव आपको करके ही दिखा देती हूँ वीडियो में, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। जो भी मेरा पुराना वीडियो है उस पर मैं नहीं दिखा रखी हूँ और उसमें आप लोग कमेंट करते हैं कि ये सेव करके दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो यहाँ पे ट्रांसकोड हो गया है। अब हम जाके अपलोड वाला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एज वीडियो पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेम रेट है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैं 25 PAL और यहाँ पे SD72 पे रखती हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेव हो रहा है धीरे धीरे। आपको ध्यान रखना है इस तरह आपको स्क्रीन को टच करके ही रखना है। अगर आप इस तरह टच करके स्क्रीन को नहीं रखेंगे तो ये गैलरी में सेव नहीं हो पाता है, लाइट बंद होता है और लाइट बंद होने के बाद ये वीडियो गैलरी में नहीं सेव हो पाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लाइट बंद नहीं होना चाहिए मोबाइल का। और यहाँ पे देखिए मेरा ये वीडियो धीरे धीरे यहाँ पे सेव हो रहा है। तो देखिए अब थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वीडियो अब लगभग सेव होने वाला है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है, मैं इसको स्पीड बढ़ा दी हूँ ताकि जल्दी से ये सेव हो जाए और आप लोगों को मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह काइन मास्टर का वीडियो गैलरी में सेव होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पे सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पे साइड में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। जैसे ही सेव होगा ये साइड में आपको इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब कि आपका वीडियो गैलरी में सेव हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग समझ ही गए होंगे कि काइन मास्टर का वीडियो आप गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो यूट्यूब से रिलेटेड तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों का अगर आपका वीडियो को कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करवाना है तो इस वीडियो में अच्छा सा कमेंट करिएगा और आप लोग वहाँ पे अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद जो भी मेरा वीडियो पर पहला कमेंट करेंगे उनका मैं अपना कम्युनिटी टैब पर वीडियो को पोस्ट कर दूँगी। जो भी वीडियो को लिंक आप देंगे वो मैं अपना कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूँगी, जिससे कि आपका वीडियो भी रैंक करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।